महिला अस्पताल में आशा बहू और वार्ड बॉय के द्वारा डिलीवरी करवाने के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महिला अस्पताल के CMS ने वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही। इटावा में महिला जिला अस्पताल में एक आशा बहू का एक व्यक्ति से परिवार की एक महिला की डिलीवरी करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वीडियो में एक आशा बहू महिला अस्पताल में एक व्यक्ति से 500 के नोट लेती नजर आ रही है और उस व्यक्ति के परिवार की महिला के डिलीवरी करवाने के नाम पर लिए जा रहे हैं। लाल रंग का पर्स टांगे एक आशा बहू पैसा लेने के बाद सीधे नर्सिंग स्टाफ कार्यालय में जाती हुई दिख रही है। जब इस मामले में महिला अस्पताल के CMS अशोक कुमार से बात की तो उन्होंने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही और काफ़ी दिनों से जिला अस्पताल के विवादों में घिरे रहने का कारण प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के ऊपर डालते हुए कहा कि ये प्राइवेट निजी एम्बुलेंस चालक ही सभी विवादों की जड़ हैं, इन पर कार्रवाई के लिए पुलिस कप्तान को लिखा जा रहा है। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की खास रिपोर्ट। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ है और मेरे द्वारा भी देखा गया है, मगर वीडियो में ही दिखाई गई आशा बहू पैसे ले रही है, मगर अभी तक मेरे पास न देने वाले ने शिकायत की न लेने वाले ने न किसी तरह की कोई शिकायत भी प्राप्त हुई है। जैसे ही कोई इस तरह की घटना की शिकायत या कोई लिखित प्राप्त होता है तो मैं इसकी जाँच करके सब पर्दाफाश कर सही चीज़ प्रस्तुत करूँगा। इस प्रकरण में कुछ समझ में आया है, चूंकि कई वीडियो ऐसे आ जाते हैं महिला हॉस्पिटल के जिसमें पैसे लेने की बात कही जाती है, तो ये बात बार बार कहीं ना कहीं सामने आती है, किस तरीके के मसले होते हैं ये कोई मुझे प्रकरण अभी, क्योंकि बाहर से बहुत जो नर्सिंग होम प्राइवेट चल रहे हैं और बहुत एम्बुलेंस यहाँ खड़ी होती हैं जो कि प्राइवेट उनके दलाल यहाँ आया करते हैं, हम लोग पहचानते नहीं, वो मरीजों को गुमराह करते हैं और पैसे लेते हैं। उन्हीं में कोई व्यक्ति है जैसे लग रहा है कि उन्हीं में से कोई पैसे का, जैसे कि हमारे चिकित्सालय में ऐसी कोई घटना का वेद प्रकट नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या आपके स्तर से क्या होगा जो ऐसे लोगों का? हाँ, मैं ऐसे लोगों के लिए मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को पत्र लिख रहा हूँ, पत्र लिखूँगा और उनसे इस चीज़ों को खत्म कराने के लिए मौखिक रूप से भी बात करूँगा। शिकायत होने के बाद ही शिकायत की जाएगी, जाँच की जाएगी, सही पाई जाएगी तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।